हे गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू वी माइंड्स। आईफोन 12 वर्सेस आईफोन 6s का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो में। और गाइस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों ही फोन में। 6 जनरेशन का फर्क है आईफोन 12 एंड आईफोन 6s में। आईफोन 12 में वन ऑफ द पावरफुल प्रोसेसर देखने मिलता है, एप्पल A14 बायोनिक चिप। एंड वहीं पे हमारे पास है आईफोन 6s उसके कंपेयर में, जिसमें A9 प्रोसेसर देखने मिलता है जो बेस्ड है 14nm टेक्नोलॉजी पे। बहुत ज्यादा पुराना प्रोसेसर है। और आईफोन 12 में 4GB रैम है एंड 128GB वेरिएंट है, एंड आईफोन 6s 32GB एंड 2GB रैम है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है आईफोन 6s आईफोन 12 के आगे। तो सबसे पहले बूट टेस्ट कर लेते हैं। दोनों आईफोन को मैंने सेम टाइम पे बंद किया, पावर ऑफ किया, एंड सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना सेकंड डिले होता है आईफोन 6s को आईफोन 12 के कंपेयर बूट होने में। तो जब तक स्टार्ट होता है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एलोंग विथ बेल आइकन ऐसे ही कंटेंट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईफोन 12 स्टार्ट हो गया है, बूट हो गया, एंड आईफोन 6s अभी भी हो रहा है, देखते हैं कितना डिले होता है। एंड यहाँ पे हम स्पीड टेस्ट करेंगे, ऐप ओपनिंग टेस्ट करेंगे। आईफोन 6s भी हो गया, यहाँ पे अप्रोक्स 4-5 सेकंड का डिले हुआ है स्टार्ट होने में, बूट होने में आईफोन 6s को। बैकग्राउंड से सारे एप्लीकेशन किल कर देंगे, जितने भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं आईफोन 12 एंड आईफोन 6s में, बैकग्राउंड से सारे एप्लीकेशन क्लोज कर देंगे, हटा देंगे। और इंटरनेट के लिए हमने दोनों ही आईफोन में सेम वाईफाई कनेक्ट किया है, एंड यहाँ पे मोबाइल डेटा भी ऑन रहेगा, इंटरनेट से रिलेटेड किसी भी तरह का इशू ना हो, परफॉर्मेंस में किसी भी तरह का इशू ना हो, मतलब ऐप ओपनिंग में किसी भी तरह का इशू ना हो इंटरनेट से रिलेटेड। ठीक है, अब वन बाय वन ऐप ओपनिंग टेस्ट करते हैं फटाफट। यहाँ पे हमने टोटल 14 एप्लीकेशन रखा है, दोनों ही फ़ोन में ओपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूट्यूब, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले लोड हुआ यूट्यूब हमारे आईफोन 12 में। ओके, आईफोन 12 में सबसे पहले लोड हुआ है, एंड आईफोन 6s में थोड़ा सा डिले हो गया ओपन होने में। गाइस, आईफोन 6s बहुत ज़्यादा पुराना फ़ोन है, तो ध्यान देना यहाँ पे। इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, सबसे पहले अपना आईफोन 12 में ओपन हुआ है, 6s में थोड़ा सा डिले हुआ है ओपन होने में। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा फेसबुक, फेसबुक ट्राई करते हैं किस में सबसे पहले ओपन होता है। तो यहाँ पे फेसबुक सबसे पहले वाओ आईफोन 6s में ओपन हुआ है, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग रिजल्ट है, आईफोन 6s में कोई एप्लीकेशन पहले ओपन हो रही है आईफोन 12 के कंपेयर। नेक्स्ट एप्लीकेशन ओपन करते हैं ट्विटर। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही फ़ोन में सेम टाइम पे ओपन हुआ है ट्विटर। लिस्ट में नेक्स्ट एप्लीकेशन है अमेज़न, अमेज़न ओपन करते हैं दोनों ही आईफोन में सेम टाइम पे, एंड आप देख सकते हो आईफोन 12 में पहले ओपन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन ट्राई करते हैं फ्लिपकार्ट, देखते हैं सबसे पहले किस में ओपन होता है। फ्लिपकार्ट सबसे पहले ओपन हुआ है आईफोन 12 में, एंड आईफोन 6s में डिले है बट उतना भी डिले नहीं है, फास्ट ओपन हो रहा है। जोमेटो ओपन करते हैं, सबसे पहले ओपन हुआ है हमारे आईफोन 12 में। ठीक है, एंड आईफोन 6s में थोड़ा सा डिले हुआ है, लेट हुआ है ओपन होने में। नेक्स्ट एप्लीकेशन कैमरा एप्लीकेशन है, सिस्टम एप्लीकेशन है, तो फ़ोन को हाथ में ले लेते हैं एंड इसे ओपन करते हैं सेम टाइम पे, एंड आप देख सकते हो दोनों ही फ़ोन में सेम टाइम पे ओपन हुआ है कैमरा एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सफारी, सफारी ओपन करते हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले ओपन हुआ है आईफोन 12 में। यहाँ पे पेज अलग था बट लोड सबसे पहले हुआ आईफोन 12 में, एंड आईफोन 6s में थोड़ा सा डिले हो गया ओपन होने में। नेक्स्ट एप्लीकेशन है अपना ऐप स्टोर, सिस्टम एप्लीकेशन है, दोनों ही फ़ोन में एकदम सेम टाइम पे ओपन हुआ है, 1 सेकंड का डिले भी नहीं है, तो ये अच्छी बात है। 6s का परफॉर्मेंस अब भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अमेज़न प्राइम ओपन करते हैं, सबसे पहले ओपन हुआ आईफोन 12 में, 6s में थोड़ा सा लेट ओपन हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड में सारे एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, एंड एक बार सारे एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे उसके बाद रीओपन करेंगे सारे एप्लीकेशन को, देखेंगे बैकग्राउंड में किस आईफोन में रह जाता है एंड किस आईफोन में किल हो जाता है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा मिंत्रा, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं मिंत्रा को, ओपन करते हैं, सबसे पहले ओपन हुआ हमारे आईफोन 12 में एंड आईफोन 6s में, अभी भी ओपन हो रहा है, एंड अब हो गया आईफोन 6s में, थोड़ा सा डिले हुआ है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट दो एप्लीकेशन बचे हैं फाइनल, गेम सबवे सफ़र एंड BGMI, तो सबवे सफ़र ओपन करते हैं दोनों आईफोन में, देखते हैं पहले किस आईफोन में ओपन होता है। तो आईफोन 12 में सबसे पहले ओपन हो गया है सबवे सफ़र, एंड आईफोन 6s में अभी भी ओपन हो रहा है, तो दोनों ही आईफोन में हो गया ओपन, थोड़ा सा डिले हुआ आईफोन 6s में, ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन थोड़ा थोड़ा डिले हुआ है ओपन होने में आईफोन 6s में एक्सेप्ट फेसबुक। तो अब अगली एप्लीकेशन ट्राई करते हैं
BGMI देखते हैं सबसे पहले किस में ओपन होता है, जो कि सबसे बड़ी एप्लीकेशन है एंड हर एक आईफोन में लोग रखते हैं एंड खेलते हैं। तो BGMI ट्राई करते हैं, सेम टाइम पे ओपन करेंगे एंड देखेंगे किस आईफोन में सबसे पहले ओपन होता है। 1, 2, 3। जैसा कि आपने देखा ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन थोड़ा सा डिले ओपन हुआ है आईफोन 12 के कंपेयर, बट गाइस आप किसी से कंपेयर नहीं करोगे, अपने हाथ में लेके यूज़ करोगे 6s, तो आपको किसी भी तरह का परफॉर्मेंस में कमी देखने नहीं मिलेगा आईफोन 6s में। एंड BGMI सबसे पहले ओपन हुआ है आईफोन 12 में एंड 6s में स्टिल ओपन हो रहा है। वेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना डिले कितना लेट ओपन होता है आईफोन 6s में। और यहाँ पे हमने टोटल 14 एप्लीकेशन ओपन किया है दोनों ही आईफोन में एंड अभी देख सकते हो BGMI भी ओपन हो गया है आईफोन 6s में एंड बहुत ज़्यादा लेट ओपन हुआ है। ठीक है, 2015 का फ़ोन है, 2GB रैम है एंड लास्ट एप्लीकेशन 14 एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो बंद करते हैं दोनों को एंड रीओपन करेंगे गाइस अभी सारे एप्लीकेशन। हमने बैकग्राउंड में सब एप्लीकेशन है ओपन किया था एंड रीओपन करेंगे जिससे हमें रैम मैनेजमेंट पता चलेगा, जिससे बैकग्राउंड में एप्लीकेशन स्टिल ओपन रहती है या किल हो जाती है, तो यूज़र इंटरफेस पता चलेगा कैसा है आईफोन 6s का एंड आईफोन 12 का। तो सब एप्लीकेशन ओपन करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ओपन करेंगे यूट्यूब, देखते हैं किस एप्लीकेशन में बैकग्राउंड में है। ठीक है, आईफोन 12 एंड आईफोन 6s दोनों में ही बैकग्राउंड में रन हो रहा है यूट्यूब। ठीक है, ये अच्छी बात है। सेकंड ओपन करते हैं इंस्टाग्राम, दोनों ही आईफोन में है बैकग्राउंड में। नेक्स्ट फेसबुक ओपन करते हैं, फेसबुक लोड हो गया आईफोन 6s में एंड आईफोन 12 में है बैकग्राउंड में। एंड ट्विटर आप देख सकते हो दोनों ही आईफोन में बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अमेज़ॉन लोड कर लिया है हमारे आईफोन 6s में बट 12 में पहले से है। फ्लिपकार्ट आप देख सकते हो, फ्लिपकार्ट भी लोड कर लिया है 6s में, आईफोन 12 में बैकग्राउंड में है। आईफोन 12 में जोमेटो भी है, 6s ने लोड कर लिया है। एंड सफारी ओपन करते हैं, सफारी दोनों ही आईफोन में लोड हो रहे हैं, फिर से ओपन हो रहे हैं। ऐप स्टोर ओपन करते हैं, ऐप स्टोर आप देख सकते हो दोनों ही आईफोन में बैकग्राउंड में रीलोड हो गया है। नेक्स्ट अमेज़ॉन प्राइम दोनों ही आईफोन में बैकग्राउंड में है। एंड नेक्स्ट मिंत्रा ट्राई करते हैं, मिंत्रा आप देख सकते हो दोनों ही आईफोन ने लोड कर लिया है। और अब लास्ट के दो गेम्स को भी ओपन करते हैं, सबवे सफ़र देखते हैं। सबवे सफ़र बैकग्राउंड में है आईफोन 12 में बट 6s ने किल कर दिया है सबवे सफ़र एप्लीकेशन को। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन BGMI ट्राई करते हैं, दोनों फ़ोन में रीओपन करते हैं, देखते हैं बैकग्राउंड में है या नहीं। दोनों ही आईफोन ने किल कर लिया है BGMI जैसे बड़े गेम्स को। तो कुछ इस तरीके से है आईफोन 6s का परफॉर्मेंस स्पीड टेस्ट आईफोन 12 के कंपेयर। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो स्पीड टेस्ट एंड आपके पास आईफोन 6s है एंड कैसा परफॉर्म कर रहा है नीचे कमेंट करके बताना। एंड आई होप आपको ये वीडियो स्पीड टेस्ट कंपैरिजन पसंद आया होगा, तो नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।